हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज में पिछले टाइम पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। चलिए अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव में इफ 5 इक्वल टू, यानी कि 5 की वैल्यू दी, गिवन किसकी वैल्यू दी, 5 की वैल्यू किसके बराबर, 3r² माइनस 4r^1/2 प्लस 6r (-1/3) ये वैल्यू दी। ठीक है, तो किसकी वैल्यू दी हमें, ये 5 की वैल्यू दी। और देखिए सिद्ध क्या करना हमें, सो दैट डेल फाई निकालना, और डेल फाई देखिए किसके बराबर ला कर दिखाना, ये हमें 2 × (-r^-3/2 माइनस (-r^-7/2 r वेक्टर, थोड़ा डार्क बनाया है इन्होंने, तो ये किसके बराबर लाना हमें, r वेक्टर के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको, डेल फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल फाई की वैल्यू निकालने से पहले वी नो दैट ये बताइए r वेक्टर किसके बराबर होता है। r वेक्टर होता है xi + yj + zk। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, r वेक्टर की वैल्यू होती है। और r का मॉडुलस किसके बराबर होता है, √(x²+y²+z²) r का मॉडुलस किसके बराबर होता है, r के बराबर। तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा √(x²+y²+z²), दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो r² कितना आएगा, यहाँ से r² आ जाएगा (x²+y²+z²). ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन पार्सली कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2r/dl/dx = 2x। बाकी का क्या हो जाएगा, 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताइए किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, dl/dx की। ठीक है, ये तो सीधी करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब आगे, तो ये बताइए कितना आ गया, dl/dx की वैल्यू x upon r। इसी प्रकार dl/dy = y upon r dl/dz = z upon r, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। अब हमें देखिए किसकी वैल्यू निकालनी, नाउ डेल फाई की वैल्यू निकालनी। चलिए, तो ये डेल फाई की वैल्यू निकाल दीजिए। डेल का मतलब तुम जानते ही हो, ठीक है, डेल मतलब dl/dx(i) + dl/dy(j) dl/dz (k). मान रख दीजिए 3r² - 4r^1/2 + 6r^-1/3,
ठीक है। चलिए एक बार साइड को थोड़ा कैमरा घुमा देता हूँ, ठीक है, सही दिखेगा थोड़ा सा, और सही हो गया अभी, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आर का करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, इसका बोलिए कितना, सिक्स आर, फिर आर का भी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, डेल आर बाय डे डेल एक्स, ठीक है। तो सब में डेल आर बाय डेल एक्स तो चलो बाहर ही ले लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे बोलो, माइनस के फोर इंटू वन बाई टू आर की पावर, बताना एक घटाएंगे तो माइनस के वन बाई टू, इसका कर दीजिए एक बटे तीन आगे आ जाएगा, माइनस के छः बटे तीन हो जाएगा, आर की पावर माइनस एक बटे तीन में से माइनस एक घटाएंगे, माइनस एक बटे तीन में से कितना घटाएंगे एक, माइनस के चार बटे तीन, और डेल आर बटे क्या भी आ जाएगा, डेल आर बटे डेल एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से डेल आर बटे डेल एक्स। अभी इसका किसके रेस्पेक्ट भी करना, वाई के रेस्पेक्ट करना और जेड के रेस्पेक्ट करना, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट करना और जेड के रेस्पेक्ट करना। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये सारा कॉमन आ जाएगा, तो ये इसका वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये सारा कॉमन आ जाएगा, तो फिर प्लस का कितना बचेगा, डेल आर बटे डेल वाई प्लस डेल आर बटे डेल जेड के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया कितना, यहाँ से इनका मान भी रख देंगे, डेल आर बटे डेल एक्स का मान, डेल आर बटे डेल एक्स का मान एक्स अपोन आर, और साथ में आई भी आएगा इसमें, कितना भी आएगा आई, यहाँ पे कितना जे और यहाँ पे कितना के, ध्यान देंगे एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट करा तो ये आया, और फिर आर का भी करेंगे, डेल आर बटे डेल एक्स आएगा और इंटू में कितना आई, तो इसके रेस्पेक्ट हो गया। ऐसे ही इसका वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा उसमें भी आएगा वो, और ऐसा ही जेड वाले में आएगा, तो वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, वो वैल्यू हमने क्या करी, कॉमन ले ली। तो अब बताइए क्या बच गया यहाँ से, यहाँ से बच गया सिक्स आर माइनस के टू आर की पावर माइनस के वन बाई टू माइनस के टू आर की पावर माइनस के चार बटे तीन। चलिए भी इसका मान रखो, डेल आर बटे डेल एक्स का मान वहाँ से रखो ऊपर से, एक्स अपोन आर आई, एक्स अपोन आर आई प्लस वाई अपोन आर जे प्लस जेड अपोन आर के, वन अपोन आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कितना कॉमन आ जाएगा, वन अपोन आर कॉमन आ जाएगा, तो देखिए क्या बच जाएगा, सिक्स को आर से भाग देंगे तो यहाँ पे सिक्स बचेगा, माइनस के टू इसके बटे में भी आर आएगा ऊपर चला जाएगा, तो आर की पावर माइनस एक बटे दो माइनस वन प्लस टू, प्लस नहीं माइनस, माइनस टू आर की पावर माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री माइनस वन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर बच जाएगा ये, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, आर वेक्टर के, ये किसके बराबर होता है, आर वेक्टर के बराबर, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए, इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा बोलिए, इसमें कॉमन बोलिए टू कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, टू
टू कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, थ्री माइनस आर की पावर देखना कितनी, माइनस की थ्री बाई टू माइनस आर की पावर माइनस की सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री, और ये कितना आर वेक्टर, किसकी वैल्यू निकाल ली है हमने, डेल फाई कह दीजिए या ग्रेडियंट फाई कह दीजिए। देखिए क्या सिद्ध करना था ये, ठीक है टू यही सिद्ध करना था, ठीक है यही सिद्ध करना था, ठीक है तो करिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर सेवन में प्रूव दैट, देखिए क्या सिद्ध करना है इसमें हमें, ठीक है ये दिया इन्होंने डेल फाइव डॉट डी आर, डेल फाइव डॉट डी आर वैक्टर क्या किसके बराबर सिद्ध करना, डी फाइव के बराबर सिद्ध करना। तो इसे करने से पहले एक फार्मूला भी याद रखना आपको, ठीक है चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए, इफ आर कोई फंक्शन है, आर कोई एफ फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, एक्स वाई जेड का, ठीक है चैप्टर के शुरू में भी दिया है आर्टिकल टू से ऊपर देख सकते हैं इसको, यदि आर बराबर किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है दी टोटल डिफरेंशिएशन, दी टोटल डिफरेंशिएशन ठीक है टोटल डिफरेंशिएशन किसका, दी टोटल डिफरेंशिएशन डी आर ऑफ किसका, आर का, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय डी आर बराबर, डी आर बराबर याद रखिए फार्मूला ए, डेल आर बटे डेल एक्स, डेल आर बटे डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल आर बटे डेल वाई डी वाई प्लस डेल आर बटे डेल जेड डी जेड। तो ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए, ठीक है चैप्टर के शुरू में ही दिया है, ठीक है तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेक्टर है तो वेक्टर के लिए आ जाएगा, उन्होंने वेक्टर में दे रखा है, तो यहाँ ये एफ वेक्टर होगा तो वेक्टर के लिए आ जाएगा, ठीक है यदि आर वेक्टर होगा तो यहाँ फिर वेक्टर आ जाएंगे, या स्केलर के लिए भी ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है तो इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर सेवन में, ठीक है इसकी आवश्यकता होगी, सिक्स है या सेवन है ये, सिक्स क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए सिक्स में देखिए ये सिद्ध करना, तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में वी हैव किसका मान निकालना है ये बताइए, डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर का। अब तुम ये देखिए, तुमने आर वैक्टर पढ़ा, आर वैक्टर क्या पढ़ा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के बराबर पढ़ा, तो डी आर वैक्टर किसके बराबर होता है, डी आर वैक्टर बराबर किसके होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के बराबर होता है, डी जेड के बराबर, ठीक है तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए। चलिए तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा ये, डेल फाई का मान रख देंगे, डेल फाइव अपोन डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव बटे डेल वाई जे प्लस डेल फाइव बटे डेल जेड के डॉट डी आर का मान रख दीजिए, डी आर का मान देखिए कितना, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के बराबर, ठीक है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो बताइए क्या आएगा, आई डॉट आई वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल फाइव बटे
डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बटे डेल वाई, जी का जी के साथ वन हो जाएगा तो कितना आएगा इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बटे डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, और इस फार्मूले को देखिए, अब डी आर, इसमें आर की जगह देखिए कौन है, आर की जगह कौन है इसमें, फाई, तो बताइए किसके बराबर जाएगा ये, डी फाई के बराबर। तो यही सिद्ध करना था, डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। ठीक है, नोट कर लीजिए और ये फार्मूले भी नोट कर लीजिए साइड में। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, प्रूफ दैट सिद्ध करिए एफ यू डेल यू इक्वल टू डेल इंटीग्रल, डेल इंटीग्रल एफ यू डी यू, ये सिद्ध करना, एफ यू डी यू के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं इसको। इसमें तुम ले लीजिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, चलिए कौन साइड ले ली हमने, राइट हैंड साइड क्या है, डेल इंटीग्रल एफ यू डी यू, डेल का मान रख दीजिए आई, चलिए आई पहले लिख दिया, डेल अपोन डेल एक्स प्लस जे डेल अपोन डेल वाई प्लस के डेल अपोन डेल जेड। ठीक है, और इंटीग्रल एफ यू डी यू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा यहाँ से आई डेल अपोन डेल एक्स, डेल अपोन डेल एक्स किसका, इंटीग्रल एफ यू डी यू प्लस जी डेल अपोन डेल वाई, डेल अपोन डेल वाई किसका, इंटीग्रल एफ यू डी यू प्लस कितना के डेल बटे डेल जेड इंटीग्रल एफ यू इंटू डी यू। ठीक है, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं आई डेल अपोन डेल यू एफ यू एफ यू। ठीक है, और लिख सकते हैं इसको मैंने अपने पास से, ठीक है, अपोन में यहाँ क्या कर लिया, डेल यू कर लिया, ठीक है, कितना कर लिया यहाँ पे डेल यू, और कितना आ जाएगा ये डेल यू अपोन डेल एक्स, डेल यू बटे कितना आ जाएगा डेल एक्स। तो अपने पास से मैंने डेल यू से मल्टीप्लाई, देखिए ये सारी जो वैल्यू है डेल अपॉन डेल एक्स के बराबर आएगी, क्योंकि भैया डेल यू से डेल यू कट जाएगा और इनटू में कितना डी यू भी, इनटू में डी यू को चलो पहले लिख दीजिए, इनटू में कितना आई डी यू और कितना डेल यू बटे डेल एक्स। ध्यान दीजिए कैसे करा, एक बार समझिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको भाई एक बात देखो तुम, डेल यू बटे डेल बटे डेल यू और डेल यू बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल बटे डेल एक्स के बराबर आएगा, समझ जी, इससे कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा। तो मैंने डेल अपॉन डेल एक्स को डेल अपॉन डेल यू
इस तरीके से लिख लिया इसको, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए प्लस का कितना जी अपने पास से डेल बटे क्या कर लीजिए डेल यू इंटीग्रल एफ यू डी यू, ठीक है आगे बताइए क्या आएगा, ये आएगा डेल यू बटे डेल वाई, ठीक है डेल बटे डेल वाई को लिख सकते हैं सब। प्लस का देखिए आगे कि बताइए इसको क्या लिखेंगे, डेल बटे डेल यू कर लीजिए इंटीग्रल एफ यू डी यू डेल यू बटे डेल जेड, डेल यू बटे डेल जेड, क्योंकि ये दोनों मिल के डेल यू बटे डेल जेड के बराबर ही होंगे, ठीक है। अब एक बात देखिए, हमारे पास यू कोई फंक्शन हो, सपोज एक्स का फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ऐसे ही मान लिया मैंने, तो वहाँ यू किसका फंक्शन है एक्स का, मैंने निकाला यहाँ से डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स बोलना क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस किसके बराबर आएगा टू के बराबर, और मैंने निकाला इसमें इसका डिफरेंशिएशन करा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करा और एक निकाला डेल यू बटे डेल एक्स निकाला तो वो भी किसके बराबर आएगा टू एक्स प्लस टू के बराबर। यदि ये केवल x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये केवल x का फंक्शन है, तो इन दोनों से हम क्या देख रहे डेल यू बटे डेल एक्स बराबर किसकी डी यू बटे डी एक्स की, यदि वो केवल किसका फंक्शन हो x का फंक्शन हो तो डेल यू बटे डेल एक्स बराबर किसके आएगा डेल यू बटे वो डेल यू बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा डी यू बटे डी एक्स के बराबर। आप एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए किसका फंक्शन है केवल u का फंक्शन है, तो इसको डेल बटे डेल u को डेल बटे डेल u को d अपॉन डी यू भी लिख सकते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से आई तो है ही भाई, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं क्योंकि ये u का फंक्शन है, तो d बटे डी यू लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ यू डी यू, ठीक है एफ यू डी यू इंटू डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स प्लस जी केवल किसका फंक्शन है यू का फंक्शन है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डी बटे डी यू इंटीग्रल एफ यू डी यू इंटू में डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई आगे बोल दीजिए प्लस का कितना कि डी बटे डी यू इंटीग्रल एफ यू डी यू डेल यू बटे डेल यू बटे डेल जेड, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है चलिए इसको नोट करिए। और देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा इंटीग्रल हट जाएगा, ठीक है जब हम इसका डिफरेंस ये यू के रिस्पेक्ट क्या है ये इंटीग्रल है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इससे क्या हट जाएगा, ठीक है इंटीग्रल हट जाएगा तो ये किसके बराबर बच जाएगा यहाँ से आई एफ यू डेल यू बटे डेल एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है करिए ज़रा इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है और ये बात भी याद रखना यदि u x का फंक्शन है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें या du बटे dx करें दोनों बराबर आते हैं, इसलिए डेल u बटे डेल x बराबर du बटे dx के बराबर, ठीक है चलिए कर लिया। आगे देखो, आगे देखिए हाँ तो यहाँ पे कितना आई, ठीक है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रल हट जाएगा ये, तो बताइए आई एफ यू ना बचेगा आई एफ यू और
डेली बटे डेल एक्स डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रल हट जाएगा, तो बोलिए जे जे एफ यू डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई और प्लस का कि यहाँ से बता दीजिए ये हट जाएगा एफ यू डेल यू बटे डेल जेड, कॉमन बोलिए कितना लेंगे यहाँ से एफ यू कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे यहाँ से एफ यू, ठीक है तो क्या बच जाएगा यहाँ से आई डेल यू बटे डेल एक्स प्लस जी डेल यू बटे डेल वाई प्लस की डेल यू बटे डेल जेड, ये बताइए किसके बराबर होता है डेल, ठीक है यही आ जाएगा। चलिए बताइए किसके बराबर डेल यू के बराबर, ठीक है तो हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ से डेल, राइट हैंड साइड ली थी ना, कौन साइड लेके चल रहे थे राइट हैंड साइड और कौन साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या दिया, रो एंड पी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस सच दैट रो इज ए फंक्शन ऑफ पी सो दैट डेल रो इक्वल टू डी रो बटे डी पी इंटू डेल रो, ठीक है तो रो एंड पी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस हैं और रो किसका फंक्शन है ये पी का फंक्शन है, तो सो दैट डेल रो क्या सिद्ध करना बोलिए डेल रो बराबर डी रो बटे डी पी इंटू डेल पी के बराबर सिद्ध करना, ठीक है स्मॉल पी कह दीजिए या स्मॉल पी ही दिया तो ठीक है ये सिद्ध करना स्मॉल पी है ये सिद्ध करना, तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, वी नो दैट डेल रो की वैल्यू लेके चलेंगे, किसकी वैल्यू डेल रो बताइए किसके बराबर, ये होता है डेल रो बटे डेल एक्स आई प्लस डेल रो बटे डेल वाई जे प्लस डेल रो बटे डेल जेड की, और हमें लाना डी पी लाना ना, चलिए इसमें अपने पास से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई डेल रो बटे डेल पी कर लिया मैंने वो डेल पी बटे डेल एक्स इंटू आई, ध्यान देना ये कैंसिल हो जाएगा तो ये तो बचेगा डेल रो बटे डेल एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है अब ऐसे इसमें करिए क्योंकि भैया हमें डी रो बटे डी पी लाना, ऐसे इसमें तुम करिए यहाँ पे कितना डेल रो बटे डेल पी कर लीजिए पी से मल्टीप्लाई डेल पी से मल्टीप्लाई, तो डेल पी बटे डेल वाई इंटू जे देख लीजिए इसी के बराबर है या नहीं है, मैं ये कैंसिल हो गया इसी के बराबर तो आएगा ये, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है चलिए ये आगे ध्यान दीजिए इसमें भी ऐसे कर लीजिए डेल रो बटे डेल पी इंटू
डेल पी बटे डेल जेट इंटू के। अब रो जो फंक्शन है साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस, ये चलो यहीं लिख दीजिए, सिंस रो इज ए फंक्शन ऑफ पी, फंक्शन ऑफ पी। रो किसका फंक्शन है? पी का फंक्शन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यू एक्स का फंक्शन है, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ऐसे बताया था मैंने ना। यदि यू किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। तो डेल यू बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा? डी यू बटे डी एक्स के बराबर। बात समझ में आई? यदि u किसका फंक्शन है? केवल x का फंक्शन है, तो डेल u बटे डेल x बराबर डी यू बटे डी एक्स के बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो किसका फंक्शन है? p का फंक्शन है। देयर फोर डेल रो बटे डेल p, p का फंक्शन है ना, डेल p बराबर किसके आएगा? डी रो बटे डी पी के बराबर आएगा। रख दीजिए यहाँ पे डेल रो बटे डेल पी कितना हो जाएगा? डी रो बटे डी पी इंटू डेल पी बटे डेल एक्स। इनको ध्यान से बनाना कभी सारे, ठीक है, ये डी है सारे एक से बन रहे, कभी सारे कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ये रो है, ये पी है, ठीक है, डी है, डेल है, तो थोड़ा इनको ध्यान से बनाना, कभी तुम्हें सारे एक जैसे लग रहे होंगे ये, ठीक है, अलग अलग हैं तो ध्यान से करना। चलो आगे देखो, डेल रो बटे डेल पी किसके बराबर आएगा? ये डी रो बटे डी पी के बराबर आएगा, और डेल पी बटे डेल वाई, डेल पी बटे डेल वाई इंटू जे प्लस, बोलिए डेल थोड़ी आएगा, डी आएगा अब तो, ठीक है, इससे डी रो बटे डी पी इंटू डेल पी बटे डेल जेड इंटू के बराबर। कॉमन बोलिए, इसमें कॉमन बोलिए, ये हमें सिद्ध करना। तो कॉमन कितना लेना चाहिए हमें? ठीक है, कॉमन ले लीजिए भैया यहाँ से, कितना? डी रो बटे डी पी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? डेल पी बटे डेल एक्स आई और प्लस डेल पी बटे डेल वाई जी, डेल वाई जी प्लस डेल पी बटे डेल जेड की। ये किसके बराबर होता है? वो ये तो कितना, डी रो बटे डी पी, ये किसके बराबर होगा? नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ देखिए आगे, भाई डी रो बटे डी पी, डी पी ये सारा किसके बराबर है? डेल पी के बराबर है। किसके बराबर है सारा ये? ठीक है, पी पी है तो किसके बराबर आएगा? डेल पी के बराबर। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक ही करिए, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। ठीक है, और हमारी पेड क्लासेस जो चलती हैं वो PCM गुरु एप्लीकेशन पे चलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, और जो फीस होती है एक बुक की मात्र ₹1200 पर बुक फीस है। ठीक है, आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।